होंगे और सेफ होंगे अपने घरों में, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गर्मियों की बहुत मज़ेदार छुट्टियों के बाद हमारी आज पहली हिंदी की क्लास है जिसमें मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ, है ना। तो ये हमारी हिंदी की क्लास है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमने अपनी पिछली जूम क्लासेस में क्या पढ़ा था, आपको पता है हमने अभी पिछली जूम क्लास में क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने पढ़े थे आ की मात्रा वाले कुछ शब्द, याद है सभी को, हमने पढ़े थे आ की मात्रा वाले कुछ शब्द। जैसा कि आप जानते हैं छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा के बाद क्या आता है जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बड़ा आ के बाद आता है छोटी ई, क्या आती है छोटी ई, और छोटी ई से क्या होता है जल्दी से बताइए मुझे, छोटी ई से इमली, इमली खट्टी होती है ना। और छोटी के बाद क्या आता है बड़ी, क्या आता है बड़ी। तो आज हम यही पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा और कैसे हम उसे वर्णों में लगाकर शब्द बनाते हैं। आ रहा है ना समझ में सभी बच्चों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी भी वर्ण में अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, पता है क्या आपको? मुझे भी पता है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है आपको, सबसे पहले चलिए कोई एक वर्ण लिखते हैं, हम एक वर्ण लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हम छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो मुझे ये बताइए ये कौन सा वर्ण है, क्या पहचानते हैं इसको आपको, ये कौन सा वर्ण है? ये तो क से कबूतर है ना, ये क्या है क से कबूतर। अगर हमें इसमें छोटी की मात्रा लगानी है तो पता है हम कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। किसी भी अक्षर में अगर हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो हमें उस अक्षर से पहले एक रेखा खींचनी होती है, एक सीधी रेखा खींचनी होती है, उसके बाद हम इस तरह से ऊपर से उसे उस वर्ण से मिला देते हैं, है ना, उस वर्ण से मिला देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये क से कबूतर था, क से कबूतर में हमने छोटी की मात्रा लगाई तो ये बन जाएगा, पता है आपको क्या पढ़ेंगे इसको? मुझे तो नहीं पता है, आप बता सकते हैं मुझे क्या है ये? अरे वाह, ये तो सब बच्चों को पता है, अगर क में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है तो ये बन जाएगा की, क्या बन जाएगा की, क्या बन जाएगा कि। वेरी गुड, चलिए अब सीखते हैं किसी भी वर्ण में बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो देखिए ये हमने बनाया क से कबूतर, ठीक है, अभी छोटी की मात्रा में तो हमने पहले सीधी रेखा खींची थी, अब हम इसके बाद में सीधी रेखा खींचेंगे और इस तरह से इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कि, क्या बन जाएगा की। तो देखा आपने, ये है कि और ये है की, आया है समझ में की, है ना, छोटी की मात्रा तो कि, बड़ी की मात्रा तो की, आया समझ में आप सभी को, आ रहा है ना। चलिए अब हम इसको अपनी बुक के थ्रू पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम शब्दों को कैसे बनाते हैं। चलिए पहले मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, देखिए ये कौन सा वर्ड है, म, म, म में अगर हमें छोटी की मात्रा लगानी हो तो हम सीधे आगे एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये बन जाएगा मी, मी, और इसमें अगर हम जोड़ देंगे ल वर्ण, इसका मतलब क्या है जोड़ना, मतलब जो म था म में हमने छोटी की मात्रा लगाई
तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। और छोटी की मात्रा हम आपकी किताब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी हिंदी की किताब को खोल लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना छोटी की मात्रा कैसे बनती है। किसी भी वर्ण से पहले अगर हम रेखा खींच के इस तरह से मात्रा लगाते हैं तो वो हो जाती है छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ चित्र देख रहे होंगे, तो आइए उन चित्रों को पढ़ना सीखते हैं। ये किस चीज़ का चित्र है आप बता सकते हैं, ये किसका चित्र है? वेरी गुड, ये क्या है? ये है किताब। किताब क्या है? ये किताब। और किताब को कैसे लिखेंगे हम, चलिए देखते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो उसका जो हम उच्चारण करते हैं वो ई ई करते हैं। जैसे कि देखिए, क में छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया की। त में आ की मात्रा लगाई तो ताब, तो क्या बन जाएगा? किताब। आया समझ में आपको? ऐसे ही देखिए कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। द में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? द में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दि, न, दिन, दिन। ऐसे ही ब में अगर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बी, बी, ल, बिल। क्या बन जाएगा? बिल, बिल। ऐसे ही स में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सी, र, सिर, सिर। आया ना समझ में? ऐसे ही क से कबूतर में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे आप तो क्या बन जाएगा? की, की, ला, की, ला, की, ला, है ना। ऐसे ही इधर पढ़ के देखिए, व में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा वी, वी, मान, वी, मान, विमान, विमान। अब इधर देखिए, प ही या, पहिया, प ही या, पहिया। देखा आपने, ये कुछ शब्द हैं जिनमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं कुछ शब्द बड़ी की मात्रा वाले, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी की मात्रा कैसे लगती है। बड़ी की मात्रा को जब भी हम लगाते हैं तो किसी भी वर्ण के पीछे एक रेखा खींचते हैं और इस तरह से उसको मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बड़ी की मात्रा। तो जल्दी से बताइए ये किसका चित्र है, कौन बताएगा मैम को ये किसका चित्र है? वेरी गुड, ये है दीपक। और बड़ी की मात्रा को हम कैसे बोलते हैं? ई। तो अगर वो द में बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? दीपक, 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 है ना। ऐसे ही देखिए किसका चित्र है, ये किसका चित्र है? चीता। तो चीता हम कैसे लिखेंगे? च पर बड़ी की मात्रा ची, ता, चीता। अब इधर देखिए, ली, ली, ची, लीची, लीची। आ रहा है समझ में? तो ये हैं कुछ बड़ी की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। क्या हैं? बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो आइए कुछ शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और अपना वीडियो अपनी मैम को भेजना है। ओके, थैंक यू।